नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फोटोशॉप से, और यहाँ देख सकते हैं कि इमरान खान जी ने कमेंट किया है कि फ़ोटोशॉप में मैटर के नीचे लाइन कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान जनाब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप में मैटर के नीचे आपको लाइन देना है। तो चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो फ़ोटो हो, किसी के नीचे आपको लाइन अगर लगाना है, लाइन देना है, तो मैं आपको चलिए सिंपल तरीका और आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटोशॉप एडोबी फ़ोटोशॉप खुला हुआ है। फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊँगा वो आप किसी भी वर्जन में ईज़िली आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और एक न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, और यहाँ पर आप जो जिस नाम से आपको बनाना है, डॉक्यूमेंट लेना है, आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट साइज़ है, यहाँ पे अलग अलग साइज़ है, जिस टाइप का साइज़ आपको लेना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नॉर्मल सा साइज़ 4:6 का लिया, इंचज़ में लिया, रिजोल्यूशन 300 रखा, मोड 8GB, और यहाँ पे जो कंटेंट है बैकग्राउंड है वो वाइट रखा है मैंने। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल सा एक पेज यहाँ पे आ चुका है। अब रहा सवाल इसमें मुझे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट मैटर के नीचे आप लाइन कैसे देंगे। तो देखिए दो तरीके से आप टेक्स्ट के मैटर जो रहता है उसमें लाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पहले टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसमें लाइन लेके आपको दिखाता हूँ। तो टाइप करने के लिए यहाँ पे जो टूल बॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टूल है यहाँ पे हॉरिजेंटल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल से अपने पेज पे लाके मैं क्लिक कर दिया। यहाँ कर्सर आ गया, देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे देखिए बड़ा सा साइज हो गया। यहाँ पे जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर्टी बार ठीक मेनू बार के नीचे आ जाता है। जिस टूल में भी आप क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको शो करता है। अब यहाँ पे साइज़ देखिए 60 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे GAUTAM गौतम लिख दिया। लिखने के बाद आप चाहें तो टेक्स्ट को इस तरह आप सिलेक्ट करके, यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करके इसका कलर वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल सा टेक्स्ट आ गया। अब रहा सवाल इसका जो सिंपल तरीका है, आप चाहें तो इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये जो बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे आता है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर शो बाउंडिंग बॉक्स है। अगर इसको ऑन रखिएगा तो इस तरह आपको डॉट डॉट बॉक्स दिखाई देगा। अब यहाँ से आप इसको रिसाइज वगैरह भी टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल है, पहला जो मैटर है इसका नीचे हमको लाइन देना है। तो सिंपल तरीका जो है टेक्स्ट को अगर लाइन देना है तो यहाँ पे आप जिस टूल से आपने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में चले जाइए और जिस टूल से आपने लिखा है, टाइप किया है, उस टूल पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट को इस तरह आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन है टूगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैलेट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह का कैरेक्टर का एक पैलेट इस तरह का खुल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो जो आपने जो फॉन्ट यूज़ किया है, जो आपने फॉन्ट लिया हुआ है यहाँ पे, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे वो देखिए एरियल यहाँ भी है, यहाँ भी शो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर है, पैराग्राफ है। अब यहाँ पे कैरेक्टर वाला जो टैब है उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक टी के नीचे लाइन दिया हुआ है अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ से भी आप इस तरह क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल से एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन आ चुका है, टेक्स्ट के ठीक नीचे लाइन आ चुका है। ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है। लाइन अगर हटाना है तो सिंपल दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फिर से इसको ऑफ कर दीजिएगा तो लाइन यहाँ से चला जाएगा। तो टेक्स्ट के नीचे इस तरह लाइन आप दे सकते हैं। एक और तरीके से अगर आपको लाइन देना है, एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देंगे, वो ये जो टूल है मूव टूल, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब एक और तरीका देख लेते हैं कैसे लाइन देंगे। एक और तरीका सिंपल तरीका है, यहाँ से आप टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पर ये जो टूल है इस पर इसके कॉर्नर में एक छोटा सा बटन है फ्लाई आउट बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो टूल है ब्रश टूल, ब्रश टूल के ठीक नीचे देखिए पेंसिल टूल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ब्रश का साइज़ है, कितना थिकनेस चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हैं, 9
पिक्सल का चाहिए, जैसा डायमीटर, जितना मोटा पतला आपको चाहिए, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 9 का चूज़ किया है, उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। चूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा, आपको एक नया लेयर लेना होगा, जिससे क्या होगा कि उस लेयर पर आप लाइन ड्रैग कर सकिएगा। तो लेयर का पैलेट में चले जाइए, तो देखिए अभी जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ये गौतम लिखा हुआ इस लेयर पे है, तो यहाँ पे नीचे एक नया लेयर पे क्लिक कर दीजिए, नया एक लेयर बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको शिफ्ट दबा के, अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो यहाँ से शिफ्ट दबाइएगा कीबोर्ड में, शिफ्ट की और इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा। देखिए पतला सा लाइन देखिए यहाँ पर आ चुका है। और अगर मोटा करना है, थिक करना है, और लाइन लेना है, फिर से लेयर पैलेट में जाइए और यहाँ पर एक नया लेयर क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ से आप जितना मोटा पतला आपको चाहिए, मान लेते हैं ना मुझे 19 चाहिए, 13 चाहिए, अब 13 ले लिया, बाहर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है इसका कलर भी चेंज करना है लाइन का, सिंपली यहाँ पे कलर, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जब आपने टूल ऑन कर रखा है, फिर शिफ्ट दबाइए, यहाँ से शिफ्ट दबा के रखिएगा, उसके बाद ड्रैग कीजिए, देखिए इस तरह लाइन आ जाएगा। और लाइन लेना है, शिफ्ट दबा के रखिए, इस तरह देखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पहला उसी लेयर पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये गलती हो गया। तो इस तरह आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप टूल बॉक्स में चले जाइए, यहाँ से ये आपका टूल बॉक्स यहाँ है, विंडो में जाते हैं, एक बार लेयर ऑफ हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं लेयर है, विंडो में जाके फिर से मैं लेयर ले लेता हूँ। ये देखिए इस लेयर पे देखिए, टू लेयर पे जो दो नंबर लेयर था उसी के ऊपर ये दोनों लाइन अटैच हो चुका है, तो इस लेयर को मैं यहाँ से ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से एक नया लेयर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से एक लाइन सिंपली यहाँ से ड्रॉ कर दिया, देखिए एक लाइन हो गया। और एक लाइन लेना है, फिर से एक नया लेयर ले लीजिए यहाँ से, ये देखिए फिर से एक नया लेयर ले लिया, फिर से शिफ्ट दबा के मैं यहाँ से इस तरह ड्रैग कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक लाइन को आप मूव कर पाइएगा, अलग अलग लेयर लेके आप उसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये वाला लेयर, ऊपर वाला जो लेयर है, इस पर अगर काम करना है, इसको मूव करना है, तो उसी लेयर पे आपको जाना होगा। जैसे लेयर टू पे गया, देखिए ये हो गया, अब इसको आप ड्रैग करके यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप टेक्स्ट के नीचे लाइन दे सकते हैं दो तरीके से। अब मान लेते हैं फ़ोटो के नीचे अगर लाइन देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फ़ोटो लेकर हम लोग आते हैं, तो यहाँ फाइल में जाते हैं हम लोग, ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ये बॉक्स से यहाँ से डाउन बटन क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पोस्टर फॉर डिज़ाइन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ है। अब यहाँ से मैं नॉर्मल से, जैसे ये एक फ़ोटो है, आंसू फ़ोटो, ये मैं लेता हूँ, इस पर क्लिक किया, उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी फ़ोटो हम लोग फोटोशॉप में ओपन करते हैं, लेकर आते हैं, तो अलग से एक विंडो में ओपन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग से विंडो में ये फ़ोटो आ चुका है, इसे अपने पेज में ले जाना है। तो सिंपली इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख दीजिए। तो देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो फ़ोटो वाला विंडो है, इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है। अब मान लेते हैं इसके नीचे मुझे लाइन यहाँ पर देना है, फ़ोटो के ठीक नीचे लाइन लगाना है। तो आप यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नया एक लेयर ले लीजिए, क्योंकि इसी लेयर पे कीजिएगा तो फ़ोटो के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप लेयर पैलेट में चले जाइए, एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद अगेन आप टूल बॉक्स में आइए। अब यहाँ पे ये जो पेंसिल टूल है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए पेंसिल टूल पे। अब यहाँ से जैसा आपको ब्रश साइज चाहिए, जितना थिकनेस चाहिए, जैसे 27 लिया, फिर बाहर क्लिक कर देते हैं। अब कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से क्लिक करके आप कलर जो भी चाहिए चूज़ कर लीजिए, जिस कलर का आपको लाइन लेना है। फिर शिफ्ट दबा के आप यहाँ से शिफ्ट दबाइए, इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए अब ऊपर से नीचे भी चाहिए, शिफ्ट दबा के इस तरह कीजिएगा तो इस तरह लाइन आएगा, लेकिन एक ही लेयर पर हम लोगों ने कर दिया, देखिए इसीलिए ये देखिए यहाँ से वो अटैच हो गया। तो इस लेयर में गलती हो चुका है, तो इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, अब ये लेयर यहाँ से लाइन वाला लेयर चला गया। फिर से एक नया लेयर ले लेते हैं, देखिए नया लेयर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट दबाया मैंने, ये देखिए एक नया लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब एक लाइन तो यहाँ पे हो गया, अब एक लाइन यहाँ पे लेना है। अगर मैं अगेन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो इसके साथ ये लाइन अटैच हो जाएगा, जो गलती अभी हो चुका है, जो आपने को मैंने अभी दिखाया है। तो अलग अलग आपको लेयर लेके अलग अलग लाइन इस तरह ड्रैग कर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लेयर ले लेते हैं, एक और लेयर यहाँ पर देखिए लेयर एक 6 आ गया। उसके बाद शिफ्ट दबा के आप इस तरह भी लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर अगर यहाँ पे अगर दूसरा कलर का लाइन चाहिए तो फिर से एक नया लेयर पे हमें लेना होगा। ये देखिए मैं लेयर लेता हूँ एक और, देखिए यहाँ पे एक नया लेयर मैं फिर से ले लेता हूँ। देखिए फिर से लेयर का पैलेट में जाते हैं और एक नया लेयर यहाँ से ले लेते हैं। और फिर अगर दूसरा कलर आपको लेना है, यहाँ से चूज़ कर लीजिए एक और कलर, जैसे मान लेते हैं येलो कलर चाहिए, कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखिए ये टूल, अगेन यहाँ पे शिफ्ट दबाते हैं हम लोग,
यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए एक नया लाइन यहाँ पे भी हो गया। जैसा आपको लाइन लेना है बस शिफ्ट दबा के आपको ड्रैग करना है लाइन इस तरह, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के नीचे भी देखिए मैंने लाइन लेके आपको दिखाया, प्लस फोटो के नीचे भी देखिए इस तरह लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने लंबा सा अगर लाइन पूरा का पूरा मैटर में आपको देना है लंबा लाइन, तो अगेन आपको एक नया लेयर ले लीजिए। इससे क्या होगा अलग सा लेयर में बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब लाइन को ऊपर नीचे मूव करने में भी आसानी होगा। सिर्फ आपको सिर्फ दबाना है और इस तरह ड्रैग कर देना है। ये देखिए, और यहाँ से टूल, यहाँ से पेंसिल टूल चूज़ कर लेना है। तो इस तरह आप टेक्स्ट का मैटर हो, चाहे फोटो हो, चाहे कोई सा मैटर, उसके नीचे ऊपर नीचे आप लाइन ईजिली आप दे सकते हैं। मान लेते हैं जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर ऊपर एक लाइन देना है, तो एक नया लेयर यहाँ पर ले लेते हैं। और नॉर्मली अगर ड्रैग करेंगे देखिए टेढ़ा बेका आता है, सही नहीं आता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नया ले लिया, शिफ्ट दबा के शिफ्ट किया, उसको दबा के रखिए, उसके बाद उसे ड्रैग कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन इस तरह आ जाएगा। थिकनेस वगैरह मोटा पतला करना है यहाँ पे, जैसा साइज है 1 पॉइंट है 3 पॉइंट है, जैसा आपको लेना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आई होप इमरान जी आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी मैटर, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे फोटो हो, उसके नीचे हम लोग लाइन कैसे देते हैं। और हो सकता है कभी कभी रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी या रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ ऑप्शन कभी कभी काम नहीं करता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन इस तरीके से हम लोग लाइन मैटर के नीचे, फ़ोटो के नीचे, टेक्स्ट के नीचे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं फोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।